नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 अक्टूबर गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुए बस हादसे में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। बस हरिद्वार जिले के लालढांग से बारात लेकर पौड़ी के बीरोखाल गांव जा रही थी। बस में 40 से 50 लोग सवार थे। बस सीमडी गाँव के पास पहुंची तभी अचानक अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। SDRF और NDRF की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। पौड़ी में देर रात बस हादसा हुआ था, जिसमें सीमड़ी गांव के पास बारातियों को लेकर जा रही बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। बस हरिद्वार जिले के लालढांग से पौड़ी के बीरोखाल गांव जा रही थी। रास्ते में अचानक बस अनियंत्रित हो गई, जिससे यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कोटद्वार और पौड़ी से करीब 150 किलोमीटर दूर हुए इस हादसे में करीब 32 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी मिलने के बाद पौड़ी के जिलाधिकारी विजय कुमार जोंगदड़े, SDM स्मिता परमार घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे में अब तक 6 लोगों को बचाकर अस्पताल भेजा जा चुका है। चूरू जिले के सादुलपुर में घर बैठे पैसा कमाओ जैसे लुभावने वादे कर पिलानी सड़क पर स्थित वी मीडिया कंपनी लोगों से करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। सुबह लोगों को पता चला तो कंपनी के कार्यालय पहुंचे तथा नारेबाजी कर रोष जताया। बाद में गुस्साए लोग कार्यालय के ताले तोड़कर उसमें रखा सोफा सेट, टेबल कुर्सी और लैपटॉप ले गए। कंपनी के कर्मचारियों के फरार होने की सूचना मिलते ही दिन भर आमजन तथा सोशल मीडिया पर शहर में विभिन्न प्रकार की चर्चा होती रही। पुलिस को सूचना मिलते ही थानाधिकारी कृष्ण कुमार बलौदा मौके पर पहुंचे तथा लोगों से समझाइश की। मौके पर एक कांस्टेबल को भी तैनात किया, जिसके बाद दिन भर कंपनी कार्यालय के सामने लोगों की भीड़ लगी रही। थानाधिकारी कृष्ण कुमार बलौदा ने बताया कि कई लोगों ने मामला दर्ज करवाया है कि वी मीडिया नाम की कंपनी, जिसका संचालन आनंद वशिष्ठ नामक व्यक्ति कर रहा था, उसका कार्यालय पुलिस थाना के नजदीक नागौरी मार्केट में स्थित है। इस कंपनी के मालिक आनंद वशिष्ठ कई लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक और नए फीचर्स को जारी कर दिया है। व्हाट्सएप में अब व्यू वंस मैसेज से किए गए मैसेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकेगा। इस फीचर्स के बाद अब यूजर्स की चैट और अधिक सुरक्षित हो जाएगी। बता दें कि पिछले साल अगस्त में व्हाट्सएप ने यूजर्स की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए व्यू वंस मैसेज फीचर जारी किया था। इसके एक साल बाद यानी अगस्त 2022 में मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने व्यू वंस मैसेज में स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा को बंद करने का ऐलान किया था। मार्क जुकरबर्ग ने कई सिक्योरिटी फीचर जारी करते हुए कहा था कि वे व्हाट्सएप की सिक्योरिटी को अब और मजबूत करने जा रहे हैं। इसके लिए हम व्यू वंस मैसेज फीचर में एक और नए फीचर को शामिल कर रहे हैं। इससे व्हाट्सएप यूजर्स के चैट को और अधिक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस फीचर में व्यू वंस मैसेज से किए गए मैसेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकेगा। दीपावली के त्योहारी सीजन से पहले राजस्थान में बिजली संकट से निपटने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड RUVNL ने लॉन्ग टर्म बिजली खरीद का कॉन्ट्रैक्ट किया है। 6 कंपनियों के 1785 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पावर प्लांट से बिजली खरीदने के लिए RUVNL ने यह बड़ा करार किया है। इन कंपनियों से केवल 2.17 रुपये और 2.18 रुपये प्रति यूनिट की सस्ती रेट पर अगले 20 साल तक बिजली खरीदी जाएगी। 7 पैसा प्रति यूनिट से भी को ट्रेडिंग चार्ज के तौर पर अलग से दिए जाएंगे। टैरिफ रेट फाइनल करने को लेकर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में याचिका भी लगा दी गई है, जिसमें सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए गाइडलाइंस के मुताबिक बिडिंग का हवाला दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक होगा। इसका आयोजन अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर व श्रीगंगानगर जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। यह परीक्षा 6000 पदों के लिए भर्ती के लिए हो रही है। आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा SSO पोर्टल में लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में उपलब्ध नोटिफिकेशन लिंक के द्वारा परीक्षा तिथि से 7 दिन पूर्व परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व आयोग वेबसाइट एवं SSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु अलग अलग प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। गाजियाबाद के लोनी में एक घर में शक्तिशाली विस्फोट से 3 लोगों की मौत हो गई तो 7 लोग घायल हो गए हैं। लोनी में निठोरा रोड पर आशियाना सिटी में
घर के भीतर हुआ धमाका इतना जोरदार था कि दो मंजिला मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। विस्फोट की वजह अभी साफ नहीं है, पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। आशियाना सिटी में मुनीर नाम के शख्स का मकान है। बताया जा रहा है कि सुबह मकान में एक के बाद एक दो बड़े धमाके हुए। धमाके में मकान का बड़ा हिस्सा उड़ गया। मलबे में दबने से 24 साल की एक महिला, 15 साल और 10 महीने के दो बच्चों की मौत हो गई। मुनीर की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। घायलों को GTB अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर राजधानी के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है, जिसे पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार SUV कार रॉन्ग साइड से आ रही थी। इसी दरमियान कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चालक युवक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि मृतक महिला मुरलीपुरा निवासी शालू अपने भांजे राजू के साथ समूद बालाजी के दर्शन करने जा रही थी। इस दौरान हादसा हो गया। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके पर कार छोड़कर फरार हो निकला। फिलहाल पुलिस ने कार को सीज कर दिया है। विद्यार्थियों व अभिभावकों की परेशानी को समझते हुए शिक्षा विभाग ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। अब विद्यार्थियों के मूल निवास प्रमाण पत्र की सारी प्रक्रिया स्कूलों में ही होगी। 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के मूल निवास बनाने के आवेदन ई मित्र केंद्रों से नहीं, उनके विद्यालयों से भरे जाएंगे। सक्षम अधिकारी की ओर से जारी होने के बाद मूल निवास प्रमाण पत्र स्कूल से ही वितरित किए जाएंगे। गृह विभाग ने इसकी एडवाइजरी जारी करते हुए आवेदन की प्रक्रिया तथा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 5 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्धारित आवेदन स्कूल के संस्था प्रधान वर्ष में एक बार सितंबर अक्टूबर में भराएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को उनके परिसरों में रैगिंग के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों को लेकर निर्देश जारी किया है। जारी किए गए दिशा निर्देशों में रैगिंग विरोधी समिति का गठन, छात्रों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श, और छात्रावासों में औचक निरीक्षण इन निर्देशों में शामिल है। UGC सचिव रजनीश जैन ने विश्वविद्यालयों को लिखे पत्र में कहा कि रैगिंग के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने और परेशानी के कारणों की पहचान करने के लिए छात्रों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श आयोजित किया जाना चाहिए। UGC सचिव रजनीश जैन ने छात्रावास, छात्रों के आवास, कैंटीन, विश्राम, सह मनोरंजन कक्ष, शौचालय, बस स्टैंड और किसी भी अन्य उपाय जो रैगिंग को रोकने में अच्छी तरह से सहायक हो सकती हैं, कि औचक निरीक्षण का सुझाव दिया है।